जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सूरत से करीबन 1800 से 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हमारी टीम भी आ पहुंची है उड़ीसा के टिटलागढ़ के अंदर। ये सूरत से अभी 100 भाई करीब आए हैं और कंधमाल से भी आएंगे। कल टिटलागढ़ 5 तारीख से शुरू होगा। भगवान की नाम कीर्तन और सत्संग रहेगा। गरीब इलाका में भंडारा कीर्तन और ये कंबल वितरण मिठाई ये सो रहे। इस चार जिला में ज़्यादा करके हिंदू का कन्वर्ट हो चुका है। अपना बापूजी का लक्ष्य है जो हिंदू को कैसे जागृत करेंगे और जो अपना ईसाई में जो परिवर्तन होते हैं उसका रक्षा करना है। कहीं आपको 5% हिंदू देखने को मिलेगा, कहीं आपको 10% हिंदू देखने को मिलेगा। 30-40 किलोमीटर के पट्टे पे चले जाओ, आपको कहीं पर भी हिंदू मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके बीच ये बापू के भक्त गरीबों की तो सेवा करेंगे, साथ साथ में हिंदू सनातन धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे। मनगढ़ा जो मीडिया बता रहे हैं वो मीडिया को हम जवाब देने के लिए ये संगठन हुआ है हिंदू धर्म का, जो बापूजी आश्रम बंद नहीं हुआ है और आज भी चालू है और सनातन धर्म का आज भी प्रचार यात्रा चालू है। तो फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाना। संत आसाराम जी बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बावजूद बापू के द्वारा आज भी गरीबों की सेवा हो रही है और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आज भी हो रहा है। सूरत से करीबन 1800 से 2000 किलोमीटर का सफर तय करके हमारी टीम यहाँ पहुँची है। आप लोगों को ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा। अपना ये 5 नवंबर से मतलब टिटलागढ़ से बरमपुर तक अपना भक्ति जागृति संकीर्तन यात्रा चलेगी। 11 दिन का अपना सत्संग रहेगा, गांव-गांव में कीर्तन यात्रा रहेगा और उसमें कई सारे गांव में जैसे 4 जिला कवर करके अपना बरमपुर पहुंचेगी टीम। उसमें बहुत सारा चीज़ अपना वितरण किया जाएगा और जो मतलब कंधमाल KVK एरिया बोलते हैं अपन, तो उसमें KVK बोलने से उसमें बैकवर्ड का बहुत सारे लोग रहते हैं और गवर्नमेंट को भी पता है, तो उस एरिया में ये अपना संकीर्तन यात्रा कुछ जैसे भक्ति जागृति मतलब से उसमें हर तरीका का जागृति लोगों को करेंगे। उसमें बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनको कुछ दक्षिणा भी देंगे, कुछ कंबल वितरण करेंगे और बहुत सारे चीज़ वितरण करते हुए अपना यहाँ पहुँचेंगे। ये सूरत से अभी 100 भाई करीब आए हैं और कंधमाल से भी आएंगे। कल टिटलागढ़ 5 तारीख से शुरू होगा और आगे 15 तारीख तक बरमपुर पहुंचेगी। कितना जिला कवर करोगे? 4 जिला कवर करेंगे, बलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, 4 जिला अपन चलेगी। 4 इस जिला में हम कवर करेंगे। हम कंबल वितरण करेंगे, फिर चटाई वितरण करेंगे, खजूरी वितरण करेंगे। और ये जो उद्देश्य है बापूजी की रहा कि जो गरीब इलाके में जो ईसाईकरण जो कर रहे हैं तो उनको उनकी मुताबिक जैसे आवश्यक सामग्री कंबल है, मिठाई है, वस्त्र है, ये सब वितरण करते 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 भगवान के नाम और कीर्तन करते करते लोग को जागृत करते करते ये जो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उनका एक पूरा बेल्ट चलेगा। उसी बेल्ट में भगवान की नाम कीर्तन और सत्संग रहेगा। गरीब इलाका में भंडारा कीर्तन और ये कंबल वितरण मिठाई ये सब रहेगा। अपना मेन लक्ष्य है हिंदू धर्म का प्रचार करना है। इसके साथ साथ हम लोग भंडारा भी करेंगे, साथ में गरीब विस्तार में जाएंगे, कोई कमल है जो सामग्री पंचानन भाई बताए ये हिसाब से हम ये करेंगे। तो इसके साथ साथ हम हिंदू धर्म की जो ऋषि प्रसाद है उसकी भी सेवा हम करेंगे। इसके साथ जो निशा प्रति सावधान है, इसके बापूजी का जो निशा प्रति सावधान वो साहित्यों का वितरण करेंगे। इसके साथ युवादान सुरक्षा भी वितरण करेंगे। वो भंडारा जैसे अपना भाई जो बताए जो अपना भंडारा भी करेंगे, 4 जिला कवर करेंगे टोटल। इस 4 जिला में ज़्यादा करके हिंदू का कन्वर्ट हो चुका है। अपना बापूजी का लक्ष्य है जो हिंदू को कैसे जागृत करेंगे और जो अपना ईसाई में जो परिवर्तन होते हैं उसका रक्षा करना है। उसके साथ साथ भाई लोग अपना सूरत से 100 करीबन आए हैं यहाँ पर कंधमाल जिला में, जो आदिवासी भाइयों बहन हिंदू है ये लोग को भी हम बुलाए हैं और साथ में 400 आदमी यहाँ से निकलेंगे और एक एक जिला पकड़ के टिटलागढ़ जैसे अपना बलांगीर जिला में आता है ये पूरा करेंगे। यहाँ पर भी भंडारा भी होगा और जीवन उपयोगी वस्त्र और कोई भी वस्तु जो वितरण करेंगे।
इसके बाद हम कोटगढ़ में जाएंगे, रायकिया में जाएंगे, हर एक चार जिला कवर करके हम ब्रह्मपुर में पहुंचेंगे और वहां पर हर जगह का सिटी में आदिवासी में हम भंडारा भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे और सिटी में जब जाएंगे कीर्तन ज़्यादा करके करेंगे। प्रचार जो आज मीडिया को देखते हुए सब लोग क्या सोच रहे जो बापूजी के आश्रम बंद हो चुका है, पर हम भी आज जो ये बापूजी का आश्रम कोई एक भी बंद नहीं हुआ है और मन की जो मनगढ़ा जो मीडिया बता रहे हैं वो मीडिया को हम जवाब देने के लिए ये संगठन हुआ है हिंदू धर्म का, जो बापूजी आश्रम बंद नहीं हुआ है और आज भी चालू है और सनातन धर्म का आज भी प्रचार यात्रा चालू है। तो 5 तारीख से मतलब कल से इन लोगों का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हमारी टीम भी इन लोगों के साथ ही चलेगी और आप लोगों को हम ग्राउंड जीरो के से दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है उड़ीसा की। सोचिए 90-90% आबादी कन्वर्ट हो चुकी है, कहीं 95-95% आबादी कन्वर्ट हो चुकी है, कहीं आपको 5% हिंदू देखने को मिलेगा, कहीं आपको 10% हिंदू देखने को मिलेगा। 30-40 किलोमीटर के पट्टे पे चले जाओ आपको कहीं पर भी हिंदू मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके बीच ये बापू के भक्त गरीबों की तो सेवा करेंगे, साथ साथ में हिंदू सनातन धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे। तो फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाना। संत आसाराम जी बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बावजूद बापू के द्वारा आज भी गरीबों की सेवा हो रही है और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आज भी हो रहा है। जानिए हर सच की कहानी। दिनेश ठक्कर की जुबान, आपकी अपनी नेशनल न्यूज़